सर हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल मैडालिस व्लॉग। एक्चुअली फैंडम से रिलेटेड तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ों पर बात की है। आपसे क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर एक एक टॉपिक लेकर आने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीडबैक इशू। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जब मेरे पास रिक्वेस्ट आती है फीडबैक इशू को लेके कि हमें ना पैरों से बहुत प्यार है, हमें ना पैर बहुत पसंद है। तो एक होता है कि वो लोग क्या करते हैं, पैरों को सिर्फ उनको किस करना, लिक करना, शॉप करना, ऐसा कुछ पसंद होता है। और उसके साथ साथ वो क्या चाहते हैं ना, वो पैरों का पूरी तरीके से गुलाम बनकर रहना चाहते हैं। कोई गलत मत लेना, ठीक है, मैं बस चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके मैसेजेस मेरे पास आते हैं। सब लोग क्या कहते हैं कि पैरों के ना इतने, इसमें होता क्या है कि जिसमें वो कहते हैं कि पैरों का हमें पूरी तरीके से ना गुलाम बनना है, जिससे हम सिर्फ आपके पैरों की सेवा करें, आपके पैरों में रहें, आपके पैरों में मतलब एक इतनी सी मिट्टी ना लगने दें। अगर आपके पैरों में इतनी सी भी डस्ट हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसको क्लीन करना, उसको साफ़ रखना, कुल मिला के पैरों में पड़े रहना जिसे कहते हैं। एक लाइक हम कहते हैं ना, एक डॉग होता है, जब हम एक कुत्ता पालते हैं तो हमसे कहते हैं कुत्ता हमारे पैरों में हमेशा पड़ा रहता है। मैं इंसान की तुलना कुत्ते से नहीं कर रही, सिर्फ फैंटेसी बता रही हूँ, ठीक है। तो फीट इसको कोई भी गलत लेना मत लेके जाना। इंसान को क्या क्या पसंद होता है फीट से रिलेटेड, वो कहते हैं ना कि हमें आपके फीट्स को मतलब देखना है, उनकी पूजा करनी है, वो बहुत मानते हैं। और फीट्स में क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं ये तो मैंने आपको पहले बताया ही था। जब आप एंकलेट पहनते हैं, जैसे मैंने अपने पैरों में पहना है, ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे गिफ्ट किया था किसी ने। और जैसे टोरिंग्स पहनते हैं, ब्लैक नेल पेंट, रेड नेल पेंट की होती है, बहुत अट्रैक्ट करती है बॉयज़ को, ये चीज़ मैंने नोटिस की है बहुत ज़्यादा। तो वो ये कहते हैं कि हमें ना आपके पैरों का एक गुलाम बन के रहना है। क्या करेंगे, जैसे वो आपके पैरों की पूरी देखभाल करेंगे, आपके पैरों को इतनी तकलीफ़ नहीं होने देंगे, आपके पैर दबाना, पैरों की साफ सफाई रखना, मतलब पैरों में धूल मिट्टी ना लगे, कुछ भी वगैरह, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें आपके कोई, बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा था, जो मेरी फीट्स थे उनके पोस्टर निकलवा रखे थे, उनको चिपका रखा था, किसी ने उसे वॉलपेपर लगा रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यार थोड़ा ऐसा अच्छा फील होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। तो फीट से रिलेटेड लोगों को क्या होता है, एक इतना अट्रैक्शन होता है, इतना अट्रैक्शन होता है, वो उसके दीवाने होते हैं। बॉयज़ फीट्स के बहुत ज़्यादा दीवाने होता है, अगर उनकी पसंद के वो हैं तो वो तो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आई थिंक शायद ऐसा ही है। तो ऐसा कुछ है तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। बॉयज़ को बहुत ज़्यादा फीट पसंद होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे फीट सेशन लिए हैं, मैंने मोस्टली क्या होता है, मैं चैट पर फीट सेशन लेती हूँ। जैसे उसमें क्या होता है, मैं उनको बोलूँगी कि हाँ मेरे फीट्स के साथ आपको ये करना है, तो क्या होता है उन्हें एक तरीके से बहुत मज़ा आता है। कुल मिला के एक होता है ना, एक मालकिन और एक नौकर, एक नौकर किस तरीके से मालकिन का पूरा ध्यान रखता है, तो इसमें बड़ा मज़ा आता है। इसमें जो मेरा चैट सेशन होता है इसमें बड़ा मज़ा आता है, जब एक मालकिन और एक नौकर वाला होता है कि इसमें मालकिन क्या करता है, मालकिन का ध्यान रखता है एक नौकर पूरी तरीके से। जैसे मालकिन उसे जो जो हुक्म देगी कि तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, मैं आई हूँ, मेरे सैंडल्स कौन उतारेगा इतनी देर से, इतनी गंदी हो रही है मेरी सैंडल, इसको कौन क्लीन करेगा, मतलब एक चलता है ना, ये बड़ा मज़ा आता है। लड़कों को ये चीज़ बहुत पसंद होती है। फिर क्या होती है, सैंडल्स को हटाना हुआ, और फिर पैर जो गंदे होते हैं उनको पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन करना हुआ, एक एक फिंगर बकायदा क्लीन करनी हुई, ठीक है। लड़कों को क्या होता है, फीट फैटिश में जो हाफ पैर होते हैं ना हमारे, उनको मतलब यहाँ मुँह तक लेना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जैसे होता है ना, एक लॉलीपॉप होती है, जब छोटे होता है तो उसको ऐसे लेते हैं, ऐसे करते 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 करते, वैसे लड़कों के अगर पैर इतने पसंद होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको लेते हैं और ऐसे करते हैं, मतलब यहाँ तक वो चाहते हैं कि वो लेटे और उनके गले में कोई यहाँ तक ऐसे पैर डाल दे आधा, और वो चीज़ें टॉर्चर नहीं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पैरों के लड़के एक तरीके से ऐसे दीवाने होते हैं ना, इसको मैं जितनी भाषा में एक्सप्लेन करूँ, जितनी चीज़ें मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ वो मेरे लिए कम है। तो आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मॉर्निंग से मैं अपने हॉस्पिटल चले गई थी और आज मेरी थोड़ी सी वही तबीयत हो रही थी, तो इस चक्कर में मैंने नॉर्मली फीट्स के बारे में छोटा सा ऐसे शूट कर दिया। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आएगा वो एक स्टोरी है एक लड़के की, वो फेल वेल हो रखा था, तो उसको कैसे थोड़ा सा स्कूल में टीचर ने पनिशमेंट किया था वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, सेफ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चैट सेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, जिसकी आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बहुत सारे लोग जीमेल पर बोलते हैं कि आपने नहीं दिया, नहीं दिया, बट मैंने नीचे दिया, आप लोग चेक करें। ओके, बाय।